नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से कुंडली टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। महारानी के पवित्र पावन नवरात्र चल रहे, माँ भगवती की असीम कृपा सभी आप दर्शकों पर बने रहे। आप सब स्वस्थ सुखी आरोग्य रहें, ये मंगल कामना करते हैं। माँ भगवती के पवित्र पावन नवरात्र साधना के लिए बहुत अद्भुत दिन कहे गए हैं। मंत्र साधना के लिए, महारानी को प्रसन्न करने के लिए, आदि शक्ति को पाने के लिए, मनाने के लिए, क्योंकि शक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूं, महादेव और मां शक्ति के अधीन तो सब कुछ आ जाता है, यहां तक कि आपके सभी ग्रह भी आ जाते हैं। इसलिए जो वैसे भी जो नियमित पवित्रता से शुद्धता से आदि शक्ति की आराधना करता है, उसे ग्रहों के दुष्प्रभाव से बहुत जल्दी मुक्ति मिलती है और ग्रहों के दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ा करते हैं। नवरात्र मां भगवती के अलग अलग रूपों के बारे में आप सब कुल्लू टीवी के माध्यम से जानते रहे हैं। मां काल रात्रि, मां काली, सातवां नवरात्र, नवरात्र में जो सातवां नवरात्र है, यह मां भगवती उस परांबा आदि शक्ति काल रात्रि का है। महाकाली के बारे में तो जितना भी वखान किया जाए उतना ही कम है। दर्शकों, आप सब जानते हैं मां आदि शक्ति के बारे में। मैं खुद भी एक छोटा सा साधक हूं मां भगवती का, तो उसकी कृपा तो अनंत है और बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो ये अवसर है आपके पास सातवां नवरात्र। महाकाली, काल ही महाकाली है, और काल को भी जो अपने अधीन कर सके उसे महाकाली कहते हैं। इस संसार को असुरों के साम्राज्य से, असुरों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए भगवती ने यह विकराल रूप बनाया है। मां का जितना रूप विकराल है ना, मां उतना ही सरल सौम्य है। यहां पर कुछ भी माता के बारे में उपाय बताने से पहले एक छोटी सी बात बताऊं। आप सारे बहुत लोग सुना करते हैं कई जगह, या लोग भी कह देते हैं कि मां काली की फोटो घर पे नहीं लगानी चाहिए, प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सरासर झूठ है। अरे, वो तो आदि शक्ति है, उसके बिना तो गति ही नहीं है। तो दर्शकों, बिल्कुल आप महारानी की, मां काली की प्रतिमा भी घर पर लगा सकते हैं, महाकाली की फोटो भी घर पर लगा सकते हैं। मां काली की आराधना से मुझे लगता है कि हर एक चीज संभव हो जाता है। देखिए, आप पर कुछ भी जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ भी अगर नेगेटिव प्रभाव किए कराएगा है, तो वो उसे क्षण समाप्त हो जाता है जब आप महाकाली की शरण में चले जाते हैं। आपको अगर कोई नाजायज शत्रु ही आपको परेशान कर रहा हो, रोग हो, दोष हो, शत्रु हो, भय हो, महाकाली की आराधना से आपके ये सारी समस्याएं दूर हो जाती है। महाकाली को तो सरल प्रसाद, कई भक्त अन्य पूजाओं में महाकाली को मदिरादि का प्रसाद भी अर्पण करते हैं, लेकिन नवरात्रों में आप महारानी को हलवा, पूरी, चने, काले गुलाब जामुन, ऋतुफल, महाकाली को काला रंग और साथ में लाल रंग बहुत पसंद है। महाकाली की आराधना करने से शनि ग्रह के सभी दुष्प्रभाव क्षण में समाप्त होते हैं। महाकाली जिसके ऊपर ऐसे हाथ रख दे, उसका जीवन ही पूरा सुखमय हो जाता है, बशर्ते कन्याओं का सम्मान, अपने आप को शुद्ध रखते हुए हमेशा मां भगवती काली की आराधना किया करें। महाकाली का सातवें नवरात्रि वाले दिन आप मां भगवती के समीप बैठें, या मां काली के मंदिर जाएं, या अपने घर पर ही मां भगवती का ध्यान करते हुए बैठ जाएं। मां के लिए धूप, जोत, तिलक, मौली, सिंदूर, कुमकुम, चंदन आदि से तिलक कर मां का श्रृंगार कर पूजन करें। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से मां भगवती से प्रार्थना करें। जिस भी मनोकामना से आप महारानी के समीप बैठेंगे, आप विश्वास रखें मां भगवती के आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगी। बहुत सरल मंत्र है मां काली के। आप सिंपल मंत्र का भी जाप जो आप करते कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, या फिर ओम जयत वाम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जयत सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। भगवती के किसी भी संपुट मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आप
किसी प्रकार के रोग भय से व्याकुल हो दर्शकों, तो सतमेल और रात्रियों को विशेषकर माह का दिन कहा गया है, इस दिन आप महाकाली के समीप जरूर बैठे, माता के निमित्त जरूर बैठे, आपके शनि ग्रह के सभी दोष समाप्त होंगे और आपको रोग भय से मुक्ति होगी, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। और अगर किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।